हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक सा, एकदम बहुत ही खूबसूरत स्वेटर डिजाइन पैटर्न। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही प्यारी डिजाइन ये बनकर आती है और ये 12 रो की डिजाइन है फ्रेंड्स, और ये जो है 7 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 3 फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 24 फंदे लिए हुए हैं और ये 12 रो की डिजाइन है। तो फ्रेंड्स, चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, आपसे बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर डिजाइन अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये 24 फंदे लिए हैं और ये हमने बॉर्डर बना लिया है। आप जो है कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेते हैं, ऑप्शनली आप चाहें तो बुनाई भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, धागा आगे लाएंगे, ये 3 फंदा आपको उल्टा बुनना है, धागा पीछे ले जाना है, 2 फंदा सीधा बुनना है, धागा आगे लाना है और यहाँ पर ये 2 फंदा उल्टा, यही 7 फंदे आपको बार बार रिपीट करने हैं। साइड का एड स्टिच छोड़ दीजिए, 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा और ये 3 फंदा उल्टा, तो ये यही 7 फंदे आपको बार बार रिपीट करने हैं। तो हमने 2 फंदा उल्टा बुना है। अब देखिए, स्टार्टिंग का ये सेकेंड डिजाइन का 3 फंदा और उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए, हमारे हो गए 1 2 3 4 5, 5 फंदा हो गया ना। अब यहाँ पर धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे। इजी तरीके से आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में 3 फंदा उल्टा बुन लीजिए, 2 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, आपको इसी तरीके से बुनाई करना है। देखिए यहाँ पर 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा और देखिए 3 2 5 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा और यहाँ पर अब 5 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। अब जैसे हमने देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा ये 3 फंदा उल्टा है ना, लास्ट में भी हमारा यहाँ 3 फंदा उल्टा ही आएगा। तो धागा आगे लाएंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और इस साइड का एड स्टिच है इसको सीधा बुन लेंगे, धागा पीछे करके इसको बुनाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है सेकेंड रो है बैक साइड, इसको जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनाई करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, ऑप्शनली है, जैसा कि हमने कहा आपसे आप बुन भी सकते हैं, और ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 1, ये साइड का एड स्टिच है इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा 3rd रो है राइट साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ धागा आगे लाएंगे, 2 फंदा केवल उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, हमने 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, अब ये जो हमारा सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है, दोनों में ट्विस्ट करना है। तो ये जो सीधा फंदा है ना, आगे से लेंगे और पीछे से उल्टा फंदा लेंगे, ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद ये 2 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए, इसके बाद ये जो है ना, इसे लेफ्ट ले जाएंगे, इसको भी ट्विस्ट करेंगे देखिए, और ये 2 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये टोटल हमारे यहाँ 4 फंदा हमारा सीधा हो चुका है, 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा। अब यहाँ 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, देखिए 1 2 3, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, सेम आपको ये सेकेंड डिजाइन में भी ट्विस्ट करना है, उल्टा फंदा जो है पीछे से और सीधा फंदा आगे से, इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद ये दोनों फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। और देखिए, ये बैक से लेना उल्टा और इधर फ्रंट से लेना है।
तो इस तरीके से इसे भी ट्विस्ट करके हम बुन लेंगे। अब धागा आगे लाएंगे, थ्री फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, धागा पीछे। अब देखिए 1 फंदा ये जो है ना आगे से ले लेंगे और ये सेकंड फंदा हम बैक से पीछे से ले लेंगे और ये 2 फंदा सीधा बुन लेंगे। ट्विस्ट करना है, इसके बाद आपको इन्हें सीधा बुन लेना है। पहले जो है राइट आपको ट्विस्ट करना है और सेकंड बार में आपको लेफ्ट ट्विस्ट करना है। तो देखिए ये 2 फंदा सीधा, फिर लास्ट में हमारे ये 3 फंदा है तो हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे और 1 फंदा ये साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन लेते हैं। थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये रो 4 है, बैक साइड है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, सॉरी फ्रेंड्स 3 फंदा सीधा है, धागा आगे, 4 फंदा उल्टा। देखिए 1 बुन लिया, 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 साइड का एड स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये 4 रो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा रो 5 है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ हमें ये ट्विस्ट करना है, सेकंड फंदा आगे से और फर्स्ट फंदा पीछे से, इस तरीके से ट्विस्ट करके अब हमें देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। 4 फंदा बुनने के बाद देखिए ये सेकंड फंदा बैक से, फर्स्ट फंदा फ्रंट से, तो ये 5 और 6। अब टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदा हमारा ये सीधा हो चुका है और 1 फंदा ये उल्टा। धागा पीछे ले जाएंगे, अब यहाँ पर हमें ट्विस्ट करना है सेम, आपको ये लेफ्ट ले जाएंगे और ये राइट। तो देखिए हमारा ये राइट गया और सेकंड फंदा लेफ्ट, इसको सीधा बुनेंगे, 2 फंदा इसके बाद सीधा बुन लेंगे और फिर इसे ट्विस्ट करेंगे। देखिए इसे राइट लाएंगे और ये सीधा फंदा लेफ्ट ले जाएंगे फ्रंट से, ट्विस्ट करने के बाद इसे हम सीधा बुनाई कर देंगे। तो टोटल हमारे यहाँ 6 फंदे जो है सीधा है और इसके बाद 1 फंदा उल्टा। धागा पीछे सेम आपको ट्विस्ट करना है, सीधा फंदा ऊपर से लेना है और उल्टा फंदा नीचे से, ट्विस्ट करिए, इसके बाद ये 2 फंदा आप सीधा बुन लीजिए और 2 फंदा ये और सीधा बुनेंगे। फिर ये ट्विस्ट करेंगे, देखिए इसे भी हम ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, ट्विस्ट करके आप सीधा बुन लीजिए और लास्ट में हमारा 2 फंदा है तो 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो ये हमारा रो 5 कंप्लीट हो गया, रो 6 है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 6th रो कंप्लीट हो गया है। 7th रो है राइट साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जो जैसा दिख रहा है फ्रेंड्स ना आपको ऐसे ही करना है। धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5
सिक्स, धागा आगे वन फंदा उल्टा, धागा पीछे सिक्स फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, धागा आगे वन फंदा उल्टा, धागा पीछे वन फंदा सीधा। तो ये हमारा सेवंथ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। एट रो है बैक साइड, सेम आपको रिपीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे सिक्स फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे सिक्स फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे सिक्स फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स हमारा एट रो कंप्लीट हो गया है। अब नाइन्थ रो है, ध्यान से देखिए। वन फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे टू फंदा सॉरी वन फंदा उल्टा, धागा आपने इस साइड रखेगा। अब देखिए हमें इसे लेफ्ट ले जाना है सीधा फंदा को, और ये जो सेकंड फंदा है ना इसे राइट लाना है। अब ये जो है इसको हम इस तरीके से ले जाएंगे, ठीक ना। तो अब ये हम वन फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे। अब देखिए वन फंदा बुन लिए, वन टू, ये थ्री फंदा हमारा सीधा हो गया। अब इसको हम इधर लाएंगे, देखिए सेकंड फंदा आगे से और ये फर्स्ट फंदा पीछे से। अब इसको हम ट्विस्ट कर लिए, अब इसको हम ये टू फंदा वन फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे। अब थ्री फंदा उल्टा हो जाएगा, देखिए वन टू, अभी धागा आगे रहेगा और देखिए ये सेकंड फंदा पीछे से और फर्स्ट फंदा आगे से। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, करने के बाद अब देखिए ये फंदा बुन लेंगे तो हमारा बीच में जो है ये थ्री फंदा उल्टा हो जाएगा, वन टू थ्री, धागा पीछे वन फंदा सीधा, फिर टू फंदा और सीधा बुनेंगे, वन टू। अब इसको ट्विस्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से सेकेंड फंदा आगे से लेना है और फर्स्ट फंदा पीछे से, ट्विस्ट करेंगे और वन फंदा सीधा, फिर धागा आगे, देखिए वन टू, टू फंदा बुन लिया। अब यहाँ ट्विस्ट करेंगे सेकेंड फंदा पीछे से और फर्स्ट फंदा आगे से, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और ये जो वन फंदा है ना इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री। अब देखिए इसे हम आगे से लेंगे और ये पीछे से ट्विस्ट कर लेंगे और इसको हम वन फंदा सीधा। लास्ट में हमारे ये थ्री फंदा हैं तो टू फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, वन साइड का एड स्टिच है इसको सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया। ये टेंथ रो है और ये बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, टू फंदा सीधा, वन टू, धागा आगे, देखिए वन टू थ्री फोर, फोर फंदा हमें उल्टा बुन लेना है यहाँ पर। फिर इसके बाद धागा पीछे थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री, धागा आगे फोर फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर, धागा पीछे थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री, धागा आगे वन टू थ्री फोर, धागा पीछे टू फंदा सीधा, धागा आगे ये साइड का एड स्टिच है इसको उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एलेवंथ रो है डिजाइन पैटर्न का। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे वन टू, अब यहाँ ट्विस्ट करेंगे, देखिए सेकेंड फंदा पीछे से लेंगे और फर्स्ट फंदा आगे से, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ वन टू थ्री फंदा हो गया, धागा पीछे वन फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ ट्विस्ट करना है, ये हम फ्रंट से लेंगे और ये बैक से, तो ये वन फंदा सीधा, धागा आगे। अब देखिए वन टू थ्री फोर, अब यहाँ ट्विस्ट करेंगे, सेकंड फंदा बैक से लेंगे और फर्स्ट फंदा आगे से, इस तरीके से, और इस फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे तो ये फाइव फंदा हो गया।
धागा पीछे, वन फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसे ट्विस्ट करेंगे, देखिए आगे से लेंगे इसे, इसे बैक से ट्विस्ट हो गया। अब इसके बाद ये सीधा बुन लेंगे, धागा आगे, फोर फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर। देखिए अब यहाँ ट्विस्ट करेंगे, सेकंड फंदा पीछे से, फर्स्ट फंदा आगे से। ट्विस्ट करने के बाद इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, वन फंदा सीधा। अब इसे ट्विस्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया और ये सीधा। लास्ट में हमारा थ्री फंदा उल्टा, वन टू थ्री, वन साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 11th रो कंप्लीट हो गया है। ये 12th रो है और डिजाइन पैटर्न का लास्ट रो है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, यहाँ पर फाइव फंदा उल्टा, वन सॉरी टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, फाइव फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, फाइव फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री, धागा आगे, वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड देखिए ये 12 रो में डिजाइन पैटर्न इतना सा बनकर आया है। अब यही ना आपको जो है फर्स्ट रो से रिपीट करना है। तो अब देखिए यहाँ थ्री फंदा उल्टा, टू फंदा सीधा, फाइव फंदा उल्टा, ऐसे है, आपको इसी तरीके से बनाते जाना है। और देखिए पूरी डिजाइन फ्रेंड्स इस तरीके से बनकर आएगी। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।